तो दोस्तों यूके की जो आला अदालत है उसकी जानिब से बड़ा फ़ैसला सुना दिया गया होम ऑफिस को और असाइलम सीकर्स के लिए बड़ी खबर जारी हुई है, जो कि यूके होम ऑफिस की अदालत ने होम ऑफिस को फौरी तौर पर अपनी गलती तस्लीम करते हुए असाइलम सीकर्स फैमिली के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को फौरी तौर पर दुरुस्त करने को कहा है। तो ये दो फैमिलीज़ थी, असाइलम सीकर्स थे, एक इंडियन फैमिली थी और एक इंडियन खातून थी और उनके साथ दो बच्चे थे और एक हांगकांग की फैमिली है जिनका न्यू बोर्न बेबी हुआ, तो उनका असाइलम केस चल रहा था और ये साइनिंग डेट्स पर जाते थे लेकिन किसी वजह से नहीं गए और उन्होंने जो कि होम ऑफिस और उनकी जानिब से होम ऑफिस को इतला भी कर दी गई थी कि हमें आपका कोई इंटरव्यू लेटर नहीं मिला है। तो होम ऑफिस ने जो उनको घर और स्पोर्ट में जो कैश उनको मिलती है वीकली और जो घर दिया हुआ था फ्लैट तो वो भी उनसे ले लिया और उनको होमलेस कर दिया और साथ में वीकली के जो पैसे देना भी बंद कर दिए और जिनका ताल्लुक हांगकांग से था जिनके घर न्यू बोर्न बेबी पैदा हुआ तो उन्होंने कहा कि हम बता चुके थे कि हम इस एड्रेस पर नहीं हैं, किसी और एड्रेस पर जब तक बेबी होता है तो हम रह रहे हैं, तो वो लेटर पुराने एड्रेस पर भेजते रहे और फिर जब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो वो होमलेस फैमिली हो गई और दो बच्चों वाली फैमिली ने तो यूके की अदालत से रुजू किया और अदालत ने होम ऑफिस को हुक्म दिया है कि इन लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है तो उसको फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए। और ये सुनकर बहुत सी ऐसी फैमिलीज जिनको पता ही नहीं था और जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी तो वो भी अब यूके की अदालत पहुंच गए हैं और इस रिवेंडा स्कीम के तहत जो कि अब ख़त्म हो चुकी है तो बहुत से लोगों को होमलेस किया गया और अब इन लोगों को घर वापस नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए अब ये लोग अदालत की तरफ रुजू कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट जारी हुई है।